आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में भाषण खत्म हुआ। आज पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। पीएम ने दावा किया, देश की जनता के आशीर्वाद से अब की बार एनडीए की सीटें 400 पार होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 400 से ज्यादा सीट जीतने का पूरा प्लान बताया। ये भी समझाया कि पहले और दूसरे टर्म से तीसरा टर्म कैसे एकदम अलग होगा। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 99 मिनट के संपूर्ण भाषण को डिकोड करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया और अपने मिशन और विजन का पूरा ब्लूप्रिंट देश के सामने रख दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि अब की बार एनडीए 400 के पार जाएगी, क्यों मोदी ने बीजेपी के लिए लक्ष्य 370 रख दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। और अब की बार हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैं देख 99 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन और विजन की संपूर्ण व्याख्या कर दी। 99 मिनट में मोदी ने बता दिया कि 2024 के आम चुनाव में विपक्ष का क्या होने वाला है। मैं आम तौर पर ये आंकड़े आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रिपोर्ट कार्ड क्या है, विपक्षी गठबंधन का शोर और चुनाव में कितना जोर होगा, एक शब्द में मोदी ने अपने नए नारे से सब कुछ बता दिया। मतलब मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप होती है। और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। मोदी के वोट और सीट कैलकुलेटर के आंकड़े को समझें तो अब की बार का मिशन 400 पार का है। विपक्ष का दावा यही है कि अब की बार चुनाव में मोदी की हार। मोदी ने सीटों के गणित के हिसाब से बता दिया कि अब की बार 400 के पार। सीटों का ब्रेकअप देखें तो बीजेपी 300 सीट और एनडीए 30 से ज्यादा सीट। दरअसल मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सीधा जवाब दे दिया। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम
न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मोदी को हराने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के दावे और संसद में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इरादे पर मोदी ने सीधी चोट की है। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। तीसरे टर्म में क्या होगा, 2024 से 2029 का पूरा एजेंडा मोदी ने देश को समझा दिया। ये तब है जब विपक्ष ने मोदी की नई पारी पर विराम लगाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। मोदी ने पहले 5 साल और दूसरे 5 साल का पूरा लेखा जोखा रखा। पहले समझिए पहले टर्म का रिपोर्ट का। हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। बहुत लोगों को लग सकता है कि मोदी का कैलकुलेशन अति आत्मविश्वास है, तो मोदी के कॉन्फिडेंस और सीटों के कैलकुलेशन के पीछे का गणित समझ। रवाई आपको दिखाते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बिना कांग्रेस के परिवारवाद और मोहब्बत की दुकान पर भी कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च रिलॉन्च करने में कांग्रेस की दुकान बंद हो गई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी पर भी जोरदार प्रहार किया है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव और टारगेट पर कांग्रेस। जी हां, पीएम मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दिया तो कांग्रेस की 4 पुश्तें उखाड़ दी। पीएम मोदी ने बड़े गुस्से में कहा, कब तक देश को बांटते रहोगे, कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे, कब तक समाज को बांटते रहोगे, सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। पीएम मोदी कांग्रेस पर प्रहार की शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन परिवारवाद पर चोट करते हुए कहा कि एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस बर्बाद हो। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उसी तरफ इशारा करते हुए तगड़ा प्रहार कर डाला। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है
और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं, वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। सुस्त रफ्तार, नाकाम विपक्ष, पिछड़ी हुई सोच, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर हमला बोला। पीएम मोदी ने यूपीए 2 में कांग्रेस के इंटरिम बजट के दौरान तब के वित्त मंत्री की बखिया उधेड़ कर रख दी। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं, यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि 3रे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे, 30 साल हम नहीं लगने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। मेरे 3रे कार्यकाल में देश दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बन जाए। ये अलाइनमेंट बिगड़ गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की सुस्त रफ्तार को अपने भाषण से डिकोड किया और कांग्रेस पर अटैक करते हुए मोदी सरकार की रफ्तार भी बता दी। हमारे उत्तर प्रदेश में खास ये कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। कांग्रेस की सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकती। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते इतना काम करने में, 100 साल लगते। 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता, इस काम को करने में 80 साल लग जाते। इसके बाद पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं
कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही सोचते। आज भी वही सोच देखने को मिलती है। आजकल कांग्रेस महंगाई पर मोदी सरकार को घेरती है। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में बताया कि महंगाई तो कांग्रेस ही लाई थी। जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। अब इस वक्तव्य के 10 साल के बाद, नेहरू जी के इस वक्तव्य के 10 साल के बाद एक और वक्त का कोट आपके सामने रखता हूं। आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की वजह से। कुछ तो लाचारी है, पूरी तौर से काबू की बात नहीं हो पा रही हमारे इस समय में, हालांकि वो काबू में आएगी। 10 साल के बाद भी महंगाई के यही गीत कहे गए थे, और ये किसने कहा था? फिर से ये नेहरू जी ने कहा था, उन्हीं के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी जी ने कहा था 1974 में, जब देश में सारे उन्होंने दरवाजे ताले लगा दिए थे, लोगों को जेल में बंद कर दिया था, 30% महंगाई थी, 30%। आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने भाषण में यहां तक कहा गया था, क्या कहा था आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा था अगर जमीन न हो, यानी कुछ पैदावार के लिए जमीन न हो, तो अपने गमले और कनस्तर में सब्जी उगा लें। ये ऐसी सलाहें उच्च पद पर बैठे हुए लोग दिया करते थे। देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक, महंगाई मार गई, और दूसरा, महंगाई डायन खाएगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कश्मीर की पुरानी समस्या के लिए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जिम्मेदार बताया। आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की मौजूदा हालात की अपने शब्दों में व्याख्या की, लेकिन मोदी ने आज विपक्षी गठबंधन पर भी बहुत बड़ा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन को लेकर क्या आज कह रहे थे, आइए आपको वो हिस्सा जरा सुनवाते। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है, और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे।